हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर वन मूवी के बारे में। इस मूवी का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया था और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 8.5 है और यह मूवी 2 घंटा 31 मिनट की है। 2018 में आई कन्नड़ मूवी इतनी अच्छी निकलेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। इस मूवी की स्टोरी इंटरेस्टिंग भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट देखने के लिए आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझना होगा। इसीलिए आज मैं आपको केजीएफ चैप्टर वन की पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊंगा। आइए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 1981 से, जहां इंडिया की प्राइम मिनिस्टर एक आदमी का डेथ वारंट साइन करती है ये बोलकर कि यह बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह बात हो रही है। मूवी के मेन हीरो का नाम है रॉकी। इसके बाद हमें सीधा 2018 में कहानी शिफ्ट होती है। यहाँ पर एक फेमस जर्नलिस्ट अनंत इंगलंगी एक बुक पब्लिश करते हैं जिसमें वो रॉकी की पूरी कहानी जिंदगी के बारे में लिखते हैं। गवर्नमेंट उस बुक को बैन कर देती है और उसकी सारी कॉपी जला दी जाती है। उस बुक की एक लास्ट कॉपी किसी तरह से एक न्यूज़ चैनल के हाथ लग जाती है। वो न्यूज़ चैनल वाले अनंत इंगलंगी का इंटरव्यू लेते हैं यह जानने के लिए कि उनकी बुक में कितनी सच्चाई है। उस बुक का नाम होता है एल्बरेडो, जिसका मतलब होता है द लास्ट सिटी ऑफ गोल्ड। अनंत इंगलंगी खुद उस बुक की कहानी बताना शुरू करते हैं। बात 1951 की है। कर्नाटक के कोलर डिस्ट्रिक्ट में कुएं की खुदाई के दौरान किसानों को कुछ अजीब से पत्थर मिलते हैं। फिर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं। उनके साथ सूर्यवर्धन भी आता है, जो कि वहीं का रहने वाला एक पावरफुल इंसान था। जब ये बात पक्की हो जाती है कि निकलने वाले पत्थर सोने के ही हैं, तो सूर्यवर्धन उन सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को मार डालता है ताकि ये खबर बाहर न जा सके। जिस दिन ये घटना होती है उसी दिन पास के गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि इस मूवी का मेन हीरो भी है। कोलर में गोल्ड निकलने वाली जगह को कोलर गोल्ड फील्ड कहा जाता है, यानी केजीएफ। केजीएफ एक असली जगह है। कर्नाटक की गोल्ड माइंस अब किसी कारण की वजह से बंद हो गई हैं। केजीएफ तो असली जगह है, पर यह मूवी असली नहीं है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। सूर्यवर्धन ने उस जगह को गवर्नमेंट से 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया था और उसने वहाँ नराची नाम की एक कंपनी बनाई और उसने ऐसा दिखाया कि एक लाइम स्टोन माइन है, यानी कि चूने के पत्थर की खदान। सूर्यवर्धन कई सारे लोगों को नराची लेकर आता था और ज़बरदस्ती माइनिंग का काम करवाता था। इस कंपनी को मैनेज करने के लिए उसके 5 पार्टनर होते हैं, जो है कमल, एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्यान और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। सूर्यवर्धन को छोड़ के बाकी 4 पार्टनर्स केजीएफ के बाहर रहकर बड़े शहरों में बिजनेस संभालते हैं। उनका ये गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस काफ़ी जोरों पर चल रहा था, लेकिन 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसके बाद कंपनी के सभी पार्टनर्स केजीएफ पर कब्जा करने के बारे में सोचने लगते हैं। सूर्यवर्धन ने इस बीमारी के चलते अपने बेटे गरुड़ा को इस कंपनी का मालिक बना दिया था, पर यह बात सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को पसंद नहीं आई और उसने गरुड़ा को मारने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन गरुड़ा अधीरा को मारने में कामयाब हो गया। अब गरुड़ा इस कंपनी पे राज करने लगा। वो बहुत ही जालिम था, इसीलिए सभी पार्टनर उससे नफरत करते थे। ये सब तो हुई बाकी के करेक्टर्स की बात। अब बात करते हैं मूवी के मेन हीरो रॉकी की। रॉकी का असली नाम था राजा कृष्णप्पा बैरिया। उसकी माँ एक विडो थी और बहुत ही गरीब थी। जब राजा 10 साल का था तो उसकी माँ की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे से एक प्रॉमिस लिया था कि उसे बड़ा होकर बहुत ही अमीर और ताकतवर बनना होगा, ताकि वो खुद भी अच्छे से रह सके और दूसरों की भी मदद कर सके। इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए राजा मुंबई चला गया और उसने अपना एक नया नाम रखा रॉकी। वहाँ उसने अपनी हिम्मत से डॉन शेट्टी का दिल जीत लिया और उसके लिए काम करने लगा। धीरे धीरे रॉकी काफ़ी ताकतवर बन गया और वो अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा था और बुरे लोगों के लिए बहुत बुरा। वो डॉन शेट्टी का खास आदमी बन गया। अब वो मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग का पूरा काम संभालने लग जाता है। रॉकी दूर दूर तक काफ़ी फेमस हो गया था। 1978 में शेट्टी का बॉस एंड्रयू, जो कि केजीएफ में एक पार्टनर था, वो रॉकी को एक काम सौंपता है। काम पूरा करने के बदले में उसे पूरी मुंबई ऑफर करता है। इस काम के लिए रॉकी को बेंगलोर जाना पड़ता है। बेंगलोर में डॉक्टर राजेंद्र देसाई, जो कि केजीएफ का दूसरा पार्टनर था, वो रॉकी को कहता है कि उसे गरुड़ा को मारना होगा। इसीलिए सभी पार्टनर प्लान बनाकर गरुड़ा को बेंगलोर बुलाते हैं, लेकिन गरुड़ा इस चाल के बारे में पहले ही जानता था, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था।
अगर गरुड़ा चाहता तो अपने सभी दुश्मनों को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने एक कसम खाई थी कि अपने पिता के जिंदा रहते हुए वो किसी पार्टनर को नहीं मारेगा। इसीलिए वो बिना किसी को नुकसान पहुँचाए वहाँ से वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी पार्टनर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने अब शेर की पूंछ पर पैर रख दिया था। लेकिन रॉकी ये फैसला करता है कि वो गरुड़ा को उसी के घर में जाकर मारेगा। सभी पार्टनर इस प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो एक अंदर के आदमी के जरिए केजीएफ की खुफिया जानकारी रॉकी को देते हैं। नराची में काम करवाने के लिए बहुत से लोगों को फोर्सफुली उठाकर लाया जाता था। ऐसे ही जब गरुड़ा के आदमी गांव में लोगों को उठाने के लिए गए, तब वहां रॉकी पहुंच गया और वो गांव के लोगों के साथ होकर नराची में घुस गया। वहां जाने के बाद उसे समझ में आता है कि वो जगह कितनी खतरनाक है। वहां लगभग 20,000 लोगों को कैद करके रखा था। हर किसी से 12-12 घंटे काम करवाया जाता था और कमज़ोर लोगों को मार दिया जाता था। वहाँ के गार्ड्स बहुत ही खतरनाक थे, रूल्स फॉलो ना करने वाले लोगों को गोली मार देते थे। नराची में माइनिंग एरिया से थोड़ी दूर पर ही गरुड़ा का आलिशान घर था, जहाँ उसके पिता और उसका भाई साथ में रहते थे। इसके घर की सिक्योरिटी बहुत ही मजबूत थी और कोई भी वहाँ आसानी से नहीं जा सकता था। रॉकी ने नराची में रहकर पूरा मुआयना कर लिया था। उसने गरुड़ा के घर तक पहुँचने का भी रास्ता ढूंढ लिया था, बस अब वो मौके की तलाश में था। वहाँ रहते हुए उसने कई लोगों को मरते हुए भी देखा था। पहले तो वह चुप रहता था, लेकिन एक दिन जब वहाँ के गार्ड एक अंधे बूढ़े व्यक्ति को मारने ही वाले थे, तो वह अपने आप को नहीं रोक पाता और उस बूढ़े व्यक्ति को बचाने के लिए वहाँ के 23 गार्ड को मार देता है और वह उन सब की नज़रों में हीरो बन जाता है। रॉकी उन 23 गार्ड को मारकर उनकी बॉडी को जलाकर अपने लोगों को सिग्नल भिजवाता है कि वो अब पूरी तरह तैयार है। और तब एक बड़ा राज सामने आता है कि सूर्यवर्धन का जो दूसरा बेटा है विराट, वह अपने भाई गरुड़ा को मारने के प्लान में शामिल है। विराट अपने भाई से बिल्कुल अलग था और वह दिल का अच्छा था। उसी ने सभी पार्टनर तक नराची की खुफिया जानकारी पहुंचाई थी ताकि रॉकी अंदर घुस सके, और रॉकी का सिग्नल मिलते ही विराट भी तैयार हो जाता है। लेकिन गार्ड्स की गैर मौजूदगी और उस बड़ी सी आग देखकर गरुड़ा के लोग भी सतर्क हो जाते हैं। वो चेकिंग के लिए उस जगह पर जाने लगते हैं, तभी विराट उनका ध्यान भटकाने के लिए अपने पिता को मार देता है। सूर्यवर्धन की मरने की खबर सुनकर सब लोग वापस लौट जाते हैं और रॉकी बच जाता है। गरुड़ा अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद तय करता है कि वह काली पूजा के बाद सबकी खबर लेगा। गरुड़ा हर साल 3 बकरों की बलि चढ़ाया करता था, लेकिन इस बार वो 3 बकरों की बजाय 3 इंसानों की बलि चढ़ाने वाला था। लेकिन ये 3 इंसान उसके दुश्मन थे, जिन्हें एक खास कमरे में कैद करके रखा गया था। जब गरुड़ा पूजा करके निकलता है, तब रॉकी सबसे छिपकर उस कमरे में पहुंच जाता है जहां उन 3 लोगों को रखा गया था। रॉकी उनमें से एक आदमी को मार देता है और उसकी जगह ले लेता है। फिर इन 3 लोगों को पूजा में लाया जाता है। इस पूजा में नराची के सभी गार्ड्स और 20,000 सभी काम करने वाले लोग होते हैं। अब गरुड़ा पूजा शुरू करता है और 2 लोगों की बलि चढ़ा देता है, लेकिन जब तीसरे की बारी आती है, तब रॉकी सबकी पकड़ से छूटकर गरुड़ा की तलवार से उसका ही गला काट देता है। अब रॉकी ने हजारों लोगों के सामने गरुड़ा को मार दिया था। अब ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अब केजीएफ के चारों पार्टनर ये सोचने लग जाते हैं कि वहाँ पर अब उनका ही राज होगा। लेकिन रॉकी के दिल में तो कुछ और ही होता है। वो यहाँ मुंबई जीतने नहीं आया था, उसे तो पूरा केजीएफ चाहिए था। वो चाहता तो गरुड़ा को बेंगलोर में भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रॉकी उसे केजीएफ में सबके सामने मारना चाहता था ताकि वो वहाँ पर राज कर सके। गरुड़ा के मरते ही उसके गार्ड रॉकी को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब 20,000 लोग भी रॉकी के साथ आ गए थे, जो रॉकी के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। रॉकी के अलावा भी कुछ और ऐसे लोग थे जिनकी नज़र केजीएफ पर टिकी हुई थी। एक था दुबई का इनायत खली और दूसरा था सूर्यवर्धन का भाई अधीरा, जो कि अभी तक मरा नहीं था, वो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। ये सारी घटनाएं हुई थी 1978 में, पर यह सिर्फ आधी कहानी है। बाकी की कहानी चैप्टर 2 में दिखाई जाएगी, जिसमें रॉकी का कई लोगों से सामना होगा जो कि केजीएफ पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट में ही हमें पता चलेगा कि क्यों पीएम ने 1981 में रॉकी को मारने का ऑर्डर दिया था। चैप्टर 2 में अधीरा का रोल करने वाले हैं संजय दत्त और पीएम का रोल करने वाली हैं रवीना टंडन। अब चैप्टर 1 मूवी यहीं समाप्त होती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।